मध्य प्रदेश के बड़वाह जनपद की ग्राम पंचायत ओखला में होली के पर्व के साथ में आदिवासी संस्कृति का प्रतीक भगोरिया शुरू हो गया है। तो वहीं आदिवासी संस्कृति को अपनाते हुए यहां कई ग्रामों के लोग पहुंचते हैं और पारंपरिक वेशभूषा धारण करने के बाद में यहां शामिल होते हैं और कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाते हैं। यहां मांडल उत्सव मनाया जाता है, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, 20 से ज़्यादा ग्रामों के लोग यहाँ शामिल होते हैं और ढोल के साथ में एक दूसरे पर गुलाल फेंकने के अलावा जमकर थिरकते हुए नजर भी आते हैं। थाना प्रभारी सहित पुलिस व्यवस्था यहां पर माकूल नजर आती है। चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था देखने को मिलती है। सरपंच राजेश चौधरी और परमानंद पटेल ने बताया कि ग्राम में अगर देखा जाए तो आदिवासी महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित होती हैं, तो वहीं इनमें फिर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न होता है। प्रत्येक ढोल को 500 रुपये का इनाम तो दिया ही जाता है। इसके अलावा 2100 रुपये और 100 रुपये के अलावा अगर देखा जाए तो 711 रुपये की पुरस्कार से सभी लोगों को नवाजा जाता है। आज ओखला में एक अच्छे तरह से भंगोरिया भरा हुआ है और आदिवासी का मेन त्यौहार है होली वगैरह, ये मेला बहुत सारे त्यौहार रहते हैं और हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमारे गांव के पास पास लोग आते हैं, पान खाते हैं, जलेबी खाते हैं, अंगूर संतरा सब चीज़ खाते हैं और ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ आदिवासी भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी भाई लोग अपने ढोल लेकर आए हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारे ढोल इकट्ठे हुए हैं। 20-25 ढोल तकरीबन इकट्ठे हुए हैं जिसमें सभी आदिवासी भाई लोग आनंद और उत्सव के साथ, हर्ष उल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं। होली का ये पर्व है, यहाँ पर सभी लोग आए हैं, आसपास के आगिया ओखला और चैनपुरा सभी गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर इनाम रखा गया है, प्रथम इनाम 2100 रुपये है, द्वितीय इनाम 1100, तृतीय इनाम 700 रुपये और प्रत्येक ढोल को 500 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। आप मेले लगते हैं हमेशा के लिए, परंपरा के लिए मेले लगते हैं। ये आदिवासी का मेला है, ये भगोरिया हमेशा के लिए लगता है, ये परंपरा का हमारा भाग है। क्या क्या होता है इसमें? आता है ढोल, आता है भजन, बनता है भजन, बिकता है, लेते हैं लोग, यही मेला है। ये हमारा परंपरा का मेला है, विस्तार से मेला है, विस्तार से हम लोग ये मेला को मानते हैं। हम पंचायत ओखला और आख्या पंचायत के द्वारा आदिवासी पर भगोरिया उत्सव के अंदर ग्राम ओखला के अंदर ढोल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है जिसके अंदर 20 से अधिक ढोल आने की संभावना है। अभी तक कुल 18 ढोल आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं। इसमें इनाम ग्राम पंचायत ओखला और ग्राम पंचायत आगे के द्वारा प्रथम पुरस्कार 2111 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1111 रुपये और तृतीय पुरस्कार 751 रुपये रखा गया है। बाकी प्रत्येक ढोल को 500 रुपये ग्राम पंचायत ओखला और आगे के द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यह आदिवासी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मनाया जा रहा है। आदिवासियों का मुख्य त्यौहार रहता है जिसके अंदर आसपास के जो उनके परिवार रिश्तेदार जो हैं इस उत्सव के अंदर होली के रूप में सबका एक मिलना जुलना हो जाता है और होली का पूर्ण रूप से आनंद मिलजुल कर यहाँ पर उठाते हैं, साथ में ढोल के साथ में नृत्य करते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक दूसरे से मिलना जुलना यहाँ पर हो जाए, भाईचारा अपना बढ़ा रहे। इसी